नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाल कुआ बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रेन के पूरी डिटेल के बारे में। लाल कुआ बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है लाल कुआ से हर सोमवार को चलेगी। इसका इनॉग्रल रन हो चुका है, कमर्शियल रन जो है 21 तारीख से ये रेगुलर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। बुकिंग इसकी स्टार्ट है और इसका ट्रेन नंबर है 22544। ये जो ट्रेन है LHB कोचेस वाली ट्रेन है। लाल कुआं जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस की जो दूरी है 24 घंटे 45 मिनट में कवर करेगी। इसके तकरीबन 18 स्टेशन से 1625 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। एवरेज स्पीड इस रूट पर 66 किलोमीटर पर आवर है। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसमें अगर बात करें कोचेस के बारे में तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। अगर बात करें रूट मैप के बारे में तो लाल कुआं से ये स्टार्ट होगी, रुद्रपुर होते हुए मुरादाबाद जंक्शन में पहुंचेगी, फिर गाजियाबाद होते हुए हजरत निजामुद्दीन में पहुंचेगी, मथुरा भरतपुर सवाई माधोपुर जंक्शन होते हुए ये ट्रेन जो है कोटा जंक्शन में पहुंचेगी, कोटा जंक्शन के बाद रतलाम मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, वडोदरा सूरत को कवर करते हुए ये वापी में पहुंचेगी, फिर बोरीवली होते हुए मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करेगी। इस यात्रा को करने के लिए इसे 1624 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ेगा। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस की जो है बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़कर आपको सभी कोचेस में जो है रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तो अगर इसकी टिकट किराए के बारे में बात करें तो सेकंड एसी का जो लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस तक का किराया है वो है 2570 रुपये, जिसमें 2352 रुपये तो बेसिर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, 123 रुपये GST चार्ज शामिल है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के भी कोच हैं। थर्ड एसी का जो लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस तक का किराया है वो है 1790 रुपये, जिसमें 1619 रुपये तो बेसिर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, 86 रुपये GST चार्ज शामिल है। टोटल किराया 1790 रुपये थर्ड एसी का बनता है। बाकी थर्ड एसी इकॉनमी के भी कोच होंगे इसमें। थर्ड एसी इकॉनमी के तकरीबन दो कोच होंगे, जिसका टिकट किराया जो है 1685 रुपये है, जिसमें 1519 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 81 रुपये है। टोटल किराया 1685 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी होंगे। स्लीपर क्लास के तकरीबन 6 कोच होंगे। लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस तक का किराया है 685 रुपये, 635 रुपये जिसमें बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 685 रुपये बनता है। इसमें कोई GST चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। अगर बात करें इस ट्रेन के जनरल डिब्बों के बारे में तो चार जनरल डिब्बे होंगे इसमें, जिसका लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस तक का किराया 395 रुपये के करीब होगा। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं लाल कुआं मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं लाल कुआं से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस तक। लाल कुआं मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है लाल कुआं जंक्शन उत्तराखंड से हर सोमवार को सुबह 7:45 पर रवाना होगी और 24 घंटे 45 मिनट बाद अगले दिन सुबह 8:30 पर मंगलवार को मुंबई बांद्रा टर्मिनस में पहुंच जाएगी। इसके टोटल 18 स्टेशन से 1625 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 8:25 पर पहुँचेगी और 8:30 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 5 मिनट का स्टॉप है, 22 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है RUPC। और यहाँ इसके बाद ये ट्रेन जो है रामपुर जंक्शन में पहुँचेगी। रामपुर जंक्शन में लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है सुबह 9:20 पर पहुँचेगी और 9:22 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है, 66 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। रामपुर जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश का स्टेशन है। इसके बाद 27 किलोमीटर दूर अपने नेक्स्ट स्टेशन मुरादाबाद जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:52 पर पहुँचेगी और 10:02 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 10 मिनट का स्टॉप है, 93 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और मुरादाबाद का स्टेशन कोड है MB। यहाँ पर जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस और हिमगिरी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है अमरोहा रेलवे स्टेशन पर पहुँचेगी। अमरोहा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 10:31 पर पहुँचेगी और 10:33 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है,
124 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। अमरोहा उत्तर प्रदेश का स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है AMRO। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जंक्शन में पहुँचेगी सुबह 11:31 पर और 11:36 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 5 मिनट का स्टॉप है। 197 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और हापुड़ जंक्शन का स्टेशन कोड है HPU। इसके बाद लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गाजियाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 12:40 पर पहुँचेगी और 12:42 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 234 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम देवगढ़ हम सफर एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है हजरत निजामुद्दीन में पहुँचेगी दोपहर के 1:35 पर और 1:50 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 15 मिनट का स्टॉप है। 257 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होगी। हजरत निजामुद्दीन का स्टेशन कोड है NZM और इसके बाद लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है मथुरा जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी दोपहर के 3:55 पे और 4 वहां से रवाना हो जाएगी। 5 मिनट का स्टॉप है। 390 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है MTJ। यहां पर बांद्रा टर्मिनस श्री माता वैष्णो देवी कटरा AC सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है राजस्थान के पहले स्टेशन भरतपुर जंक्शन में पहुंचेगी शाम के 4:23 पर और 4:25 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है और लाल कुआं से यहाँ तक की जो दूरी है भरतपुर जंक्शन तक की वो तकरीबन 424 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन सवाई माधोपुर जंक्शन में पहुँचेगी शाम के 6:13 पर और 6:15 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 608 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। यहाँ पर साईनगर शिरडी बीकानेर स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी और सवाई माधोपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है SWM। इसके बाद कोटा जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 7:30 पर पहुँचेगी और 7:40 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 10 मिनट का स्टॉप है। 715 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और कोटा जंक्शन का स्टेशन कोड है KOTA। इसके बाद ये ट्रेन जो है रतलाम जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचेगी रात के 11:30 पर और 11:35 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 5 मिनट का स्टॉप है। 982 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। रतलाम जो है मध्य प्रदेश का इकलौता स्टेशन है इस ट्रेन का। 11:30 पर पहुँचेगी और 11:35 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी रात को और इसका स्टेशन कोड है RTM। इसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश से निकल कर गुजरात स्टेट में पहुंचेगी। गुजरात के पहले स्टेशन वडोदरा जंक्शन में रात के 3 पहुंचेगी और 3:08 पर वहां से रवाना हो जाएगी। 8 मिनट का स्टॉप है। 1243 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है BRC। इसके बाद लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेशन सूरत रेलवे स्टेशन पर पहुँचेगी सुबह 4:50 पर और 4:55 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 5 मिनट का स्टॉप है। 372 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और यहाँ पर पुणे जोधपुर स्पेशल फेयर ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात के आखिरी स्टेशन में पहुँचेगी जो कि है वापी। वापी में ट्रेन जो है सुबह 6 के करीब पहुँचेगी और 6:01 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1465 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और वापी का स्टेशन कोड है VAPI। इसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात से चलकर महाराष्ट्र स्टेशन में पहुंचेगी महाराष्ट्र के पहले स्टेशन बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र में सुबह 7:30 पर पहुंचेगी और 7:32 पर वहां से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 1605 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन मुंबई बांद्रा टर्मिनस में सुबह 8:30 पर पहुंचेगी और 1623 किलोमीटर की दूरी जो है लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस तक कवर कर चुकी होगी। यहाँ इसका स्टेशन कोड है BDTS। दोस्तों इसी के साथ लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।